हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल rishi.edu। माय सेल्फ प्रिशिता। आज का वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर जो हेडर एंड फुटर का सेक्शन आता है उसके बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसके अपडेट तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम इंसर्ट टैब के अंदर आने वाले जो हेडर एंड फुटर सेक्शन है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। इक्वल RANDरैंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर जितना हमें पैराग्राफ चाहिए उतना नंबर 28 ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो यहाँ पर कुछ कॉपीज हमें मिल गया है, यहाँ पर 6 कॉपी हमें यहाँ पर मिल गया है, नीचे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन हमें मिलता है हेडर, ये हेडर क्या है? हमारा यहाँ पर पेज का जो ऊपर का सेक्शन है, ये यहाँ पर हमारा जो कर्सर है इसको हम हेडर कहते हैं, और पेज का जो नीचे का सेक्शन है इस जगह को हम फुटर कहते हैं। तो अगर हम चाहे कि हमारा हेडर में कुछ टेक्स्ट हम ऐड करना चाहे तो वो हम इस ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। हेडर के पास जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ डिज़ाइन यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी हमें डिज़ाइन पसंद होगा वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। सपोज हम ये पहला वाला सिंपल जो है ये एक डिज़ाइन यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर जो हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर हमें टाइप हेयर का ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर हम कर्सर को ले आकर इसको डिलीट करके अब हम जो भी हेडर यहाँ पर ऐड करना चाहे वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सपोज rishi.edu ये एंटर कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर हेडर फुटर का अलग सा एक टैब यहाँ पर खुल के आ गया है, हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लोज हेडर एंड फुटर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा हेडर जो है यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा। अब हम हर एक पेज पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हेडर के सेक्शन पर हमारा rishi.edu, ये हमारा पहला पेज है। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे वाला पेज, हर एक पेज अपने डॉक्यूमेंट पर जितने भी पेज है यहाँ पर हेडर ऐड हो जाएगा। हमने काम एक पेज पर किया है लेकिन वो अप्लाई सभी पेजों पर हो जाएगा। अब वापस से अगर हम इसको एडिट करवाना चाहे तो हम इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर हम इंसर्ट टैब में जाकर यहाँ से हम हेडर पर जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम शॉर्टकट तरीके से अगर हेडर पर जाना चाहते हैं तो हम हेडर पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा हेडर का सेक्शन ओपन हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर हेडर के नीचे जो यहाँ पर एरो है यहाँ पर से जाकर अपने हेडर को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हेडर को हमें रिमूव करना है तो यहाँ पर हम हेडर रिमूव हेडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा हेडर रिमूव हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसी भी पेज पर हमें वो हेडर नज़र नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा हेडर का जो ऑप्शन है। और इसके बाद आता है फुटर। फुटर यहाँ पर पेज का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको फुटर कहा जाता है। यहाँ पर हम फुटर पर जैसे पास वाला एरो पर क्लिक करेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पर हमें कुछ डिज़ाइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यहाँ से जो भी डिज़ाइन हमें पसंद होगा उस पर हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पेज का नीचे हमारा जो सेक्शन है वहाँ पर हमारा टाइप हेयर ये एडिट टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर भी हमें जो टेक्स्ट ऐड करवाना है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज हम एमएस वर्ड
यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसको अगर हम चाहे तो हम इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्लोज हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे तो अब हम सेम तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा पहला वाला पेज है और यहाँ पर हम जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो ये हमारा पेज के नीचे यहाँ पर एमएस वर्ड हमें नजर आ रहा है। ये पहला वाला पेज है, ये दूसरा वाला पेज है। ऐसे ही हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होगा वहाँ पर फुटर के सेक्शन पर ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फुटर का ऑप्शन। इसके बाद जो ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज नंबर, हम एक काम करते हैं इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम फुटर पर भी डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इसको सिलेक्ट करके हम दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर फुटर पर जा सकते हैं और यहाँ से हम रिमूव फुटर कर सकते हैं, या फिर अगर हमें हम अगर चाहे तो यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे फिर यहाँ से हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारा फुटर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पर आता है पेज नंबर का, और ये ऑप्शन यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाकर अगर यहाँ से भी हमें पेज नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा। दोनों में ही ऑप्शंस जो है अंदर का वो सेम है तो आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ से इसको देख लेते हैं। इसके पास वाला जो एरो है यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर ऊपर वाला जो चार ऑप्शन है ये हमारा मेन ऑप्शन है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है टॉप टू पेज, हम अपना पेज नंबर को ऐड करना चाहते हैं, टॉप पर ऐड करना चाहते हैं। लेकिन टॉप पर कहाँ पर आएगा? ये साइड में आएगा, ये मिडिल में आएगा, ये राइट साइड में आएगा। नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और भी ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम चाहे तो कोई भी एक ऑप्शन हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर मिडिल वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा साइज में बढ़ा लेते हैं। ओके तो अब इसके बाद हम हेडर फुटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम क्लोज हेडर फुटर करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं ये हमारा पहला वाला पेज और इसके बाद हमारा दूसरा वाला पेज। यहाँ पर ऊपर ये हमारा दूसरा वाला पेज, यहाँ पर ऊपर मिडिल में हमारा पेज नंबर हर एक पेज में ऐड हो चुका है। ओके, ये हो गया हमारा टॉप में अगर हम अपने पेज नंबर को ऐड करना चाहे। फिलहाल हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है हम यहाँ पर अपने पेज नंबर को ऊपर यहाँ पर टॉप पर ऐड किया था, यहाँ पर सेम ऑप्शन हमें मिलता है बॉटम के लिए। बॉटम यानी कि नीचे, यहाँ पर नीचे हमारा पेज नंबर आएगा लेकिन यहाँ पर साइड में आएगा या फिर मिडिल में आएगा। यहाँ पर हम ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं, राइट साइड में हमारा पेज नंबर आएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पर डेमो दिखाया जा रहा है। इसको हम सिलेक्ट करके अगर हम चाहे तो इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज में बढ़ा लेते हैं। ओके, इसके बाद हम क्लोज क्लोज हेडर एंड फुटर इस पर क्लिक करेंगे तो अब हम देख सकते हैं ये हमारा पहला पेज है। यहाँ पर नीचे राइट साइड में हमारा पेज नंबर यहाँ पर ऐड हो गया है। सेम तरीके से अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हर एक पेज में नीचे राइट साइड में अपना पेज नंबर हमें नजर आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पेज नंबर का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आता है पेज मर्जिन। यहाँ पर हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम हेडर कहते हैं पेज का, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम फुटर कहते हैं पेज का। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके, और इसके इसको छोड़कर, इन हेडर फुटर को छोड़कर ये जो साइड का पार्ट है ये साइड के पार्ट को हम यहाँ पर मर्जिन कहते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ पर भी अपने पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। हम वो कैसे करेंगे चलिए हम वो देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से फुटर में से अपना पेज नंबर को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फुटर वाला ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम रिमूव फुटर करेंगे, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये ऑप्शन भी हमें यहाँ पर दिखा दिया हमने। ओके, इसके बाद हम मर्जिन पर अपना पेज नंबर ऐड कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर के पास जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद पेज मर्जिन पर जाएंगे। यहाँ पर चार ही ऑप्शन हमें मिलता है, यहाँ पर ऊपर लेफ्ट, ऊपर राइट और यहाँ पर नीचे लेफ्ट, नीचे राइट।
तो कहीं पर भी हम यहाँ पर अपने पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम ऊपर इस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, ये ऊपर राइट साइड में आएगा हमारा पेज नंबर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर हम पहले क्लोज हेडर फुटर कर लेते हैं, तो ये पूरा क्लियर सा दिखेगा, हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट जैसा दिखेगा। यहाँ पर हमारा पेज नंबर ऐड हो गया है, ये पेज 1 है। जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये पेज 2 है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर जितने भी पेज होगा वो यहाँ पर हमारा पेज नंबर शो करेगा। तो इसी तरीके से बाकी जो ऑप्शंस है, अगर हम वहाँ पर अपने पेज नंबर को ऐड करना चाहते हैं पेज मर्जिन में, तो वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पर आता है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम अपने जो पेज नंबर है यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम पेज नंबर पर जाएंगे, फिर यहाँ पर हम रिमूव पेज नंबर कर देंगे, तो ये हमारा पेज नंबर यहाँ से डिलीट हो गया है। इसके बाद जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर फिलहाल हमने यहाँ पर जो हेडर हो या फिर पेज मर्जिन हो या फिर फुटर हो, यहाँ पर जो भी हम पेज नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते थे, यहाँ पर पोजीशन जो होता था वो फिक्स होता था। लेकिन अगर हम चाहे कि हम अपने हेडर में पेज नंबर ऐड तो करेंगे, लेकिन हम अपने मनपसंद जो जगह है वहाँ पर अपने पेज नंबर को ऐड करेंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम हेडर वाले सेक्शन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी जहाँ भी हम अपने पेज नंबर को ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर अपने कर्सर को ले जाएंगे। सपोज हम यहाँ पर अपने पेज नंबर को ऐड करना चाहते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर पेज नंबर के ऑप्शन पर जाएंगे और करेंट पोजीशन, यहाँ पर हमारा कर्सर जो करेंट जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर हम अपने हेडर को ऐड कर सकते हैं या फिर पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हमें कुछ डिज़ाइन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ से हम कोई भी एक डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। सपोज हम ये वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेते हैं, तो हम इसके बाद हम क्लोज हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एकदम साइड में ला कर, एकदम लेफ्ट साइड में ला कर थोड़ा सा यहाँ पर मिडिल में आ रहा है। और इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे वाला पेज पर भी हमें इसी पोजीशन पर अपना पेज नंबर यहाँ पर नजर आएगा। अगर हम इस पेज नंबर के साथ कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अपने हेडर पर, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम जहाँ पर भी इसको टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो उस जगह पर हम अपने कर्सर को ले जाएंगे और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हमें ऐड करना है, सपोज हम यहाँ पर MS Word यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, इसको टाइप करके हम यहाँ पर क्लोज हेडर फुटर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट पर हमारा जो MS Word है वो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद हमारा पेज नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके बाद हम जब हेडर पर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हेडर फुटर का एक अलग सा टैब खुल के आ जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन हमें मिल जाएगा जो हेडर और फुटर और पेज नंबर से रिलेटेड है। तो हम यहाँ से और कुछ ऑप्शन एक-एक करके देख लेते हैं। ये 3 ऑप्शन हमने देख लिया है। अगर हम चाहें कि हम अपने डॉक्यूमेंट पर अपने जो हेडर है इसके नीचे डेट एंड टाइम ऐड करना चाहते हैं, तो हम अपने हेडर, ये MS Word यहाँ पर हेडर हो गया, इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, अपना कर्सर जो है वो नीचे आ गया है। अब यहाँ पर हम डेट एंड टाइम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी फॉर्मेट हमें पसंद होगा उस पर हम क्लिक करेंगे, उसको हम सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब इसको हम क्लोज हेडर एंड फुटर कर देंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा हेडर हो गया MS Word और ये हमारा डेट एंड टाइम, यहाँ पर टाइम नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर डेट हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसे ही हमारा जितना भी पेज होगा हमारे डॉक्यूमेंट पर, ऐसे ही फॉर्मेट में हमारा यहाँ पर डेट शो करेगा। उसके बाद जो ऑप्शन यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, इसके पास जो एरो है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से डेट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम अगर क्लिक करेंगे
तो हमारा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जिस नाम से यहाँ पर खुला हुआ है, ये यहाँ पर एज अ ऑथर यहाँ पर ऐड हो गया है। अगर हम चाहें तो इसको हम यहाँ पर से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपने अपना जो पूरा नाम है ऋषिता चक्रवर्ती, ओके। इसके बाद हम क्लोज हेडर एंड फुटर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो अब हम देख सकते हैं ये हमारा हेडर रहा एमएस वर्ड, और ये हमारा ऑथर का नेम रहा यहाँ पर ऋषिता चक्रवर्ती। ये हमारा हर एक पेज पर ऐड हो जाएगा सेम तरीके से, ओके। इसके बाद हम हेडर पर वापस से क्लिक करेंगे। एक चीज यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हेडर पर जो भी हम ऐड कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सेम काम हम फुटर में भी कर सकते हैं। तरीका एकदम सेम है, जस्ट हेडर एंड फुटर ये नाम का फर्क है। तो हम यहाँ पर हेडर का जो ऑप्शंस है सब यहाँ पर दिखा देंगे, आप फुटर वाला ऑप्शन पर खुद से अप्लाई करके देख लेना। तो इसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन पर हम थे, यहाँ पर ऑथर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम ये ऐड कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हम पास वाले एरो पर क्लिक करेंगे, तो इस फाइल का अगर हम कोई नाम देना चाहे, सेम तरीके से हम यहाँ पर फाइल का नाम देख सकते हैं, या फिर फाइल का पाथ एंटर कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्यूमेंट का अगर कोई टाइटल हम यहाँ पर देना चाहें तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके सेम तरीके से हम यहाँ पर टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर्स का ऑप्शन है और एक ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन है। 2010 का जो एमएस ऑफिस का वर्शन है उसमें हमें क्लिप आर्ट का अलग सा एक ऑप्शन मिलता था, जिसके जरिए हम क्लिप आर्ट को ऐड कर सकते थे। तो यहाँ पर इस सेक्शन पर हमें पिक्चर्स ये नजर नहीं आता था, हमें क्लिप आर्ट यहाँ पर ऑप्शन मिलता था। और यहाँ पर 2010 के बाद का जो ऑफिस का जितना भी वर्शन आया है, वहाँ पर क्लिप आर्ट का अलग से हमें कोई वर्शन ऑप्शन नहीं मिलता है। वहाँ पर हमें अगर क्लिप आर्ट ऐड करना है तो वो हम ऑनलाइन पिक्चर में जाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इस ट्यूटोरियल में वापस आते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट पर कोई पिक्चर ऐड करना चाहें, तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी फोल्डर में से हमें जो भी पिक्चर हमें ऐड करना है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये अपना जो इमेज है, ये जो अपना पिक्चर है, ये अपना ओरिजिनल जो साइज है इस पर आएगा। अगर हम चाहें तो इसको हम ये कोने वाला जो डॉट है इसको सिलेक्ट करके इसको साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर हेडर फुटर में जाकर यहाँ पर क्लोज हेडर फुटर करेंगे, तो ये वाला पिक्चर जो है हमारा हेडर वाला सेक्शन पर हर एक पेज में यहाँ पर नजर आएगा, ओके। इसके बाद हम यहाँ पर हेडर पर मौजूद है। अगर हमें यहाँ से फुटर में जाना है तो हम यहाँ पर गो टू फुटर में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम फुटर में आ गया है। अब यहाँ पर सेम तरीके से फुटर में हमें जो भी कुछ ऐड करवाना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम वापस से हेडर में वापस आते हैं और पिक्चर को हम यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट, ये फिलहाल यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस हमें नजर नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला ऑप्शन हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इस ऑप्शन को आकर देखते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है वो होता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर हम चाहें कि अपने डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर हमें कुछ और टेक्स्ट हेडर पर नजर आए, और उसके बाद का जो पेजेस है वहाँ पर सभी पेजेस में सेम वर्ड या पर सेम टेक्स्ट या पर नजर आए, तो वो हम इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं फर्स्ट पेज हेडर, यानी कि फर्स्ट पेज हेडर में कुछ अलग टेक्स्ट यहाँ पर ऐड होगा। उसके बाद नॉर्मल हेडर जो है वहाँ पर हमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पेज में जो हम यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, लेकिन अगर हम प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, ओके। अब हम यहाँ पर क्लोज हेडर फुटर करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा डॉक्यूमेंट्स में। तो अब हम ये हमारा फर्स्ट पेज है, यहाँ पर हमें हेडर वाला सेक्शन पर यहाँ पर एमएस वर्ड नजर आ रहा है, और इसके बाद जो पेज है यहाँ पर ट्यूटोरियल, ये हमारा दो नंबर पेज है यहाँ पर
नजर आ रहा है हमें ट्यूटोरियल, और इसके आगे का जितना भी पेज है उसमें भी हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमें ट्यूटोरियल नजर आ रहा है। यहाँ पर हम नीचे राइट साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 में से हम 3 नंबर पेज पर मौजूद है, तो 3 नंबर पेज पर यहाँ पर ट्यूटोरियल नजर आ रहा है, और 2 नंबर पेज पर भी यहाँ पर ट्यूटोरियल नजर आ रहा है। सिर्फ फर्स्ट वाला जो पेज है यहाँ पर हमारा एमएस वर्ड नजर आ रहा है, तो हम इस ऑप्शन को ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, वापस से हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद का जो ऑप्शन यहाँ पर आता है वो होता है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। यहाँ पर हम फिलहाल फर्स्ट पेज पर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम चाहे कि हमारा ऑड इवन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑन हो जाए, तो इस बॉक्स को हम चेक कर लेंगे, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। अब यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने ऑड पेज के लिए क्या हेडर यहाँ पर सेट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर हम सपोज ऐड कर लेते हैं एमएस ऑड, इसको हम थोड़ा सा साइज में बढ़ा लेते हैं। ओके, इसके बाद सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें पूछ रहा है कि अपने इवन पेज के लिए यहाँ पर क्या हेडर आप सेट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर हम एमएस इवन लिख लेते हैं, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा कि इसके आगे और कुछ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ऑड और इवन का ऑप्शन है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्लोज हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स पर क्या हुआ है। ये हमारा पहला जो पेज है ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 हम जैसे कि जानते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारा ऑड नंबर होता है, तो ये हमारा एक नंबर पेज है, इसलिए यहाँ पर एमएस ऑड दिखा रहे हैं। और 2, 4, 6, 8, 10 हमारा जो इवन नंबर है, हम इसके आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये हमारा दूसरा पेज है, यहाँ पर हमें एमएस इवन नजर आ रहा है। और वापस से और इसके आगे हम जैसे ही 3 नंबर पेज पर पहुंचेंगे यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है एमएस ऑड। अब इसका जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये और कुछ नहीं है, जब हम हेडर पर काम कर रहे हैं अगर हम चाहे कि ये जो हमारा मेन बॉडी है, हमारा मैटर, मेन मैटर है, ये यहाँ से टेम्पररी जितने टाइम हम हेडर पर या फिर फुटर पर काम कर रहे हैं उतने टाइम के लिए ये हमारा मेन बॉडी जो है, मेन टेक्स्ट जो है वो हाइड हो जाए, तो इस ऑप्शन को हम यहाँ से अनचेक कर लेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पर एक हेडर यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर फिक्स पोजीशन पर है। अगर हम चाहे कि ये थोड़ा सा और ऊपर या फिर थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर ऐड हो, तो वो हम इसके अगला जो पार्ट है पोजीशन, इसके जरिए हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हेडर फ्रॉम टॉप यहाँ पर नजर आ रहा है, ये हमारा हेडर के लिए है। तो अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अपना हेडर का जो एमएस ऑड है ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर हम नीचे भी इसको ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने हेडर का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकते हैं, और सेम ऑप्शन हमें मिलता है फुटर के लिए यहाँ पर नीचे। ओके, अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसका अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलाइनमेंट जो है यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि लेफ्ट पर होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए या फिर राइट पर होना चाहिए। तो अगर हम इसको राइट पर क्लिक करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हम अपने फुटर पर जो भी ऐड करवाना चाहते हैं उसके लिए अपना कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पर राइट साइड पर आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर पोजीशन अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर राइट साइड पर सेट कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी हम चाहे यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल सा टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो गया है। ओके,
अब इसको हम वापस से, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पे सभी पेजेस पे ये यहाँ पर दिखेगा। ओके, इसके अगला जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, हम उसको भी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम अलाइनमेंट टैब पर जाते हैं और ये हमारा राइट साइड में सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर हम 3 नंबर डैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि अभी हमारा जो कर्सर है वो राइट साइड पे ही है, लेकिन उसके आगे कुछ डैशेस ऐड हो गया है। अब यहाँ पर हम सेम तरीके से कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम अगर क्लोज हेडर एंड फुटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फुटर वाला सेक्शन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद जो लिंक वाला ऑप्शन है हम उसको देख लेंगे। उसको देखने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, ये हमारा जो rishi.edu यहाँ पर नजर आ रहा है हेडर, इसको हम इस पेज के जो मैटर है इसको हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ से अपने कर्सर को ले आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लेआउट पर जाएंगे और ब्रेक्स पर जाएंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये हमारा पहला वाला पेज है, नंबर 1 पेज है ये, यहाँ का हमारा हेडर नजर आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में और थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये हमारा पहला वाला पेज है, यहाँ पर हमारा जो हेडर है वो है rishi.edu। और इसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा पेज का जो हेडर है ये हमारा दूसरा वाला पेज यहाँ पर दिखाई रहे हैं, यहाँ पर 7 में से 2 नंबर पेज पर यहाँ पर हम मौजूद है। इसका भी हेडर हमें दिखा रहा है rishi.edu। इसके अगले जो ऑप्शन पर, इसके अगला जो पेज पर जाएंगे तो एमएस वर्ड यहाँ पर दिखाएगा। अब पहला वाला पेज पर हमने जो हेडर यहाँ पर सेट किया था वो यहाँ पर 2 पेजेस पर दिखा रहे हैं। ये 1 नंबर पेज है और इसके बाद वाला पेज पर भी ये दिखा रहे हैं। अगर हम इस हेडर पर मौजूद होंगे और इसके बाद हम इंसर्ट पर जाएंगे तो हम अब देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो पहले इनएक्टिव था ये अब यहाँ पर चेक्ड हुआ है। क्यों चेक्ड हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमने पहला वाला पेज जो है उसका मैटर को हमने सेक्शन वाइज 2 सेक्शन में यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर सेक्शन 2 यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर इससे पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन 1 था। यहाँ पर मैटर एक ही है लेकिन हमने उसको 2 पेजेस में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर सेकेंड वाला जो पेज है उसके हेडर पर मौजूद है, जिसका हेडर सेम है हमारा पहले वाला पेज का हेडर के साथ। इसलिए यहाँ पर ये लिंक टू प्रीवियस वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेकेंड वाला पेज का जो हेडर है वो लिंक्ड है पहले वाला पेज के हेडर के साथ। तो यहाँ पर हेडर फुटर सेक्शन में जो ऑप्शंस यहाँ पर आते हैं, हेडर फुटर और पेज नंबर, इन तीनों ऑप्शन को हम यहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश किया है हमने। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।